फंक्शन को प्रश्न दिया हुआ है माइनस पांच एक्स कॉमा चार वाई और माइनस जेड का योज्य प्रतिलोम तथा शून्य अवयव का योग बताइए। तो पहले हमें इनका योज्य प्रतिलोम निकालना है, उसके बाद इसमें शून्य अवयव को जोड़ना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि हमें दिया हुआ है माइनस के पांच एक्स, मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था योज्य प्रतिलोम का, आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इसका हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है पहले, तो का योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सभी बिंदुओं के चिन्ह बदल देने हैं। तो माइनस का पांच एक्स है तो ये पांच एक्स हो जाएगा, चार वाई है वो माइनस के चार वाई हो जाएगा, और माइनस का जेड है तो वो प्लस के जेड हो जाएगा। ये तो हो गया इस बिंदु का योज्य प्रतिलोम। और शून्य अवयव क्या होता है, शून्य अवयव किसे कहते हैं बिंदु में, तो शून्य अवयव होगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। अब इन दोनों का हमें योग करना है, क्या करना है, पांच एक्स कॉमा माइनस के चार वाई कॉमा जेड को जोड़ना है किसके साथ, शून्य अवयव के साथ। अब शून्य अवयव के साथ किसी को भी जोड़ो तो आपको सेम वही मिलेगा जो आपको जो है ये दिया हुआ है, क्योंकि एक्स में पांच एक्स में जीरो जोड़ोगे, माइनस के चार वाई में जीरो जोड़ोगे और जेड में जीरो जोड़ोगे, है ना, एक्स के वाई की और जेड की वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगी। ये एक्स वन एक्स टू जुड़ गया, वहां वाई वन वाई टू जुड़ गया और यहाँ जेड वन जेड टू जुड़ गया, तो आपको जो है वही प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, पांच एक्स कॉमा माइनस के चार वाई और जेड। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं हाँ समझ में आ गया।